आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द डायमीटर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एट पॉइंट ए एंड बी आर 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दी हुई है, कोई भी मान लीजिए, उसका हमें पॉइंट ए और बी पर डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट ए पर 6 सेंटीमीटर है और पॉइंट बी पर 3 सेंटीमीटर है। टू मैनोमीटर लिम्स आर अटैच्ड एट ए एंड बी। अब दो मैनोमीटर लिम्स अटैच करे हैं, एक पॉइंट ए पर और दूसरा पॉइंट बी पर। ठीक है, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द ट्यूब, प्रेशर डिफरेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज नोटेड बिटवीन द लिम्स। अब लिम्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द ट्यूब। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फ्लो किसका, वाटर का। जब हमने वाटर को अलाउ किया ट्यूब के अंदर फ्लो करने के लिए, तो उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे। पॉइंट ए पर जो आपका डायमीटर है उसको हम डी ए से डिनोट करेंगे, जो कि है आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग रेडियस लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट बी पर कितना है डायमीटर, 3 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रेशर डिफरेंस, जिसे हम एच से डिनोट करेंगे, एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। राइट, अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए हमें सबसे पहले एरिया निकालना होगा। तो पहले हम पॉइंट ए के लिए एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया एट पॉइंट ए वो कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर, हमारा कितना था 3, इसका स्क्वायर ये हो गया आपका 9 पाई। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे एरिया एट पॉइंट बी, तो वो हो जाएगा आपका पाई आर बी का स्क्वायर, पाई हमारा कितना था 1.5 का स्क्वायर, जो कि आपका कितना हो जाएगा 2.25 पाई। ठीक है, ये हमारा दोनों पॉइंट्स का एरिया आ गया। अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका हो जाएगा Q इज इक्वल टू ए ए ए बी अंडर रूट 2gh अपॉन ए ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमने दोनों का एरिया निकाल लिया, जी हमारा होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एच हमारा ऊपर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। ए ए हमारा था 9 पाई इंटू 2.25 पाई अंडर रूट 2 इंटू 980 इंटू 10 अपॉन ए ए है हमारा 9 पाई का स्क्वायर माइनस 2.25 पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो रेट ऑफ फ्लो आएगा वो आएगा Q इज इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में इतना पानी हमारा उसमें से फ्लो कर रहा है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।